हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? कैसा गया आज आपका सोशल साइंस सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम? जल्दी से मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। सबसे पहले तो ले आया हूँ मैं आप सभी के लिए आज का आपका सोशल साइंस का सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम, जो आज यानी 15 मार्च 2023 को कंडक्ट कराया गया है। ये मेरे पास है सेट नंबर 1 एंड क्वेश्चन पेपर कोड इज 32/2/1, तो आप देख सकते हैं। एंड जिनका ये सेट नहीं भी है या इन्हीं सीरीज से रिलेटेड है, वो सब भी ये देख सकते हैं, बिकॉज हम इसके अंदर रिव्यू करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं एंड डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कैसे आपको आंसर करना था, किस टाइप के क्वेश्चन है, क्या क्या था। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड वन मोर थिंग, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि आप अब सब जो क्लास 10 से क्लास 11th में जा रहे हैं, उन सभी क्लास 11th वाले बच्चों के लिए इस चैनल पे क्लास 11th की इंग्लिश का सिलेबस कवर कराया जाएगा। ध्यान से सुने बच्चों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड यू नो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, अगर नहीं करोगे तो सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस कर दोगे। एंड जो बच्चे क्लास 9th से क्लास 10th में जा रहे हैं, उन सभी के लिए क्लास 10th साइंस का एक्सक्लूसिव कंटेंट तो अवेलेबल है ही इस चैनल पे, और आगे भी आता रहेगा। सब सिलेबस कवर होगा, सारे चैप्टर्स कवर होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो वो बच्चे भी सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं रिव्यू, एनालिसिस एंड डिस्कशन ऑफ योर क्लास 10 सोशल साइंस सीबीएसई बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर हेल्ड टुडे, दैट इज 15 मार्च 2023। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे डिस्कशन है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कुछ, सो सेक्शन ए पे आ जाइए। पहला क्वेश्चन था आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियोलॉजीज वर द यूरोपियन गवर्नमेंट्स ड्रिवन बाय आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि जब नेपोलियन की हार हुई थी, उसके बाद कौन सी आइडियोलॉजीज यूरोपियन गवर्नमेंट को इंस्पायर की थी और उन्हें क्या अपनाना शुरू कर दिया था। तो आपको उस अकॉर्डिंग इसको आंसर करना था। आपके ऑप्शंस हैं सोशलिज्म, कंजर्वेटिज्म, लिबरलिज्म एंड रोमांटिसिज्म। जल्दी से बताइए बच्चा आपने क्या लिखा है, एंड आई विल प्रोवाइड यू द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, अब देखिए ये एक तरह से ईजी क्वेश्चन है, जिसने एनसीईआरटी अच्छी तरह से पढ़ी है वही ईजिली कर पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेंट्रल पावर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाया होगा जो, ये बेसिकली कैसा है, रटने वाला क्वेश्चन। ये इंफॉर्मेशन है कि सेंट्रल पावर्स कौन सी थी आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो जो आपको पता है कंट्रीज तो पता है, नहीं पता तो वो ये बच्चा नहीं कर पाएगा एमसीक्यू, साफ सीधी सी बात है। तो आई होप सो आपने इसका सही आंसर किया होगा। जल्दी से मुझे लिख के बताओ लाइव चैट में, एंड कमेंट सेक्शन में भी लिखना मत भूलना आपने सेट का क्या आंसर किया है इसका। थर्ड का, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज मास प्रोडक्शन एन इम्पॉर्टेंट फीचर इन द 1920s। अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब ये है कि आपको टेक्स्ट अच्छी तरह पढ़ने, बीच बीच में से पूछ लिया मास प्रोडक्शन के बारे में, एंड इम्पॉर्टेंट फीचर कौन सी कंट्री का रहा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज मास प्रोडक्शन एन इम्पॉर्टेंट फीचर। ये ऑप्शंस आर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पोलैंड, फ्रांस एंड जापान। जल्दी से लाइव चैट में लिख के बताइए, आई एम रीडिंग इट, देखते हैं किसने सही सही आंसर किया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर, और थर्ड का लिखना मत भूलना कमेंट सेक्शन के अंदर भी। फोर्थ इज, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द सेंसर लिटरेचरर शोन इन द इमेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपको ऑब्वियसली हम सभी को पता है, एसएसटी में शुरू से ही पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते रहे हैं, और आगे भी फ्यूचर जो बच्चे देंगे उनके लिए भी आते रहेंगे। सो लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट। सो ऑब्वियसली ये तो आना था ही, सो वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। येस, नाउ दिस द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 4 इज ओनली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, आई होप्स आपने ये नहीं किया है। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ गुलामगिरी, आपके लिए नहीं था, आपको नहीं ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स डेवलप्स इन एन एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। सो ये अगेन सॉइल्स वाले चैप्टर पे बेस्ड है, आपको कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए कि कौन सी क्या कहते हैं सॉइल के, कौन सी सॉइल किस एरिया में डेवलप, मतलब ये क्या पूछे, वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स डेवलप्स इन एन एरिया जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी होती है और बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, उस एरिया में ज़्यादातर कौन सी सॉइल मिलती है। अगेन इट्स अ, यू हैव टू रीड द सॉइल्स कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली। ओके, देन वी कम ऑन टू द असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, जिसके अंदर वही चार ऑप्शंस होते हैं आपके, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देन वी हैव असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट। ध्यान से सुनो,
सी है assertion is true but reason is false, डी है assertion is false but reason is true. तो अभी तक देखा जाए MCQs में लाइक ईजी ही चल रहे हैं रिव्यू अगर मैं आपको दूँ, लेकिन बीच बीच में थोड़े से फैक्चुअल बेस्ड है कि पता है बच्चे को तो वो कर देगा, नहीं पता तो नहीं ही करेगा. बात समझ में आ रही है. सेवेंथ देखो, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन. आपको जो जो भी पोर्ट अवेलेबल है उस पर्टिकुलर सिटी में आपको वो मैच करके करेक्ट कॉलम को चूज करना है. क्या बात समझ में आई है? बट ये बात देखिए, अच्छा अब ये जो, अच्छा ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया मैच कॉलम वन एंड कॉलम टू. यहाँ पे ऊपर है assertion reason का, वही मैं कहूँ ये मैच है, ये मैचिंग में कैसे आ गए? आई मिस दिस assertion. यहाँ पे कह रहा है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड. ऑब्वियसली इट्स ट्रू. रीजन इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इराडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री. मतलब वो कह रहा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तभी अनएम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी एंड पॉवर्टी मतलब गरीबी, वो ख़त्म होगी इस कंट्री से अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा. लेकिन अगर मैं बात करूँ, ये भी रीज़न ठीक है, लेकिन क्या ये रीज़न assertion को जस्टिफाई कर रहे हैं, कहीं से उससे रिलेटेड है? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा, बिकॉज assertion में एग्रीकल्चर की बात की गई है. एग्रीकल्चर से रिलेटेड होना चाहिए था ना. आप यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी की बातें क्यों करो? सो यू कैन से बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस, कि बोथ assertion रीज़न इज ट्रू बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. ओके, एंड यहाँ पे तो आई होप सो आप सभी ने ईजिली मार्क कर लिए होंगे. ठीक है, यहाँ पे जिस बच्चे ने किया है उसने बी और सी ऑप्शन को डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया. देखिए ये क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली जो बच्चे ने दिया है, मैं डायरेक्टली आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ एग्जामिनेशन सेंटर से जो बाहर आया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम फटाफट से बढ़ते हैं. जो नेक्स्ट है, अगेन assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चन. पहला है बेल्जियम अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times. ओके, एंड रीजन इज अमेंडमेंट्स were to enable everyone to live together in the same country. Now this is again you should have read political science that chapter very clearly, only then you will be able to answer this question. जल्दी से comments में लिख के बताइए आपने इसका answer क्या किया है. Now this is an easy question. Ninth पे अगर हम जाएँ, which one of the following is an example of coming together federation? देखिए अभी थोड़ी देर पहले ऐसा सा एक question आया था, लेकिन उसके अंदर था कि countries में उनको ऐसी powers, central powers का नाम कौन सी countries को दिया. यहाँ पे coming together federation कौन सी country में है. ओके, तो आपको उस according answer करना है. Tenth question में again match, देखिए match the columns बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये आगे वाले बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि मैचिंग आइडेंटिफाइंग पिक्चर्स assertion रीजन बहुत ज़्यादा आ रहा है. ओके, अगेन यूनियन लिस्ट दी गई आपको, स्टेट लिस्ट दी गई, कॉन्करेंट लिस्ट, रेजिडरी सब्जेक्ट्स, उस अकॉर्डिंग आपको उसके एग्जाम्पल्स के साथ मैच करना है कि यूनियन लिस्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं उस पर चर्चा की जाती है, एंड स्टेट लिस्ट में कौन से होते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से होते हैं, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स में कौन से होते हैं, उस अकॉर्डिंग आपको करना था. इलेवेंथ इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ द हाइएस्ट. सो योर ऑप्शन आर नॉर्डिक कंट्रीज, अरब कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज एंड एशियन कंट्रीज. नाउ अगेन इफ यू हैड रेड द चैप्टर वेरी क्लियरली यू शुड हैव एबल टू आंसर इट. तो बताइए लाइव चैट में क्या क्या आंसर किया. साथ साथ आई एम रीडिंग योर ऑल योर आंसर्स. कन्फर्म अभी मैं नहीं करूँगा कोई भी आंसर, बिकॉज आई हैव स्टिल नॉट गॉट द ऑफिशियल आंसर की. व्हेन आई गेट इट आई विल डेफिनेटली अपलोड ऑन द चैनल. इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, एंड अगर आपको ये अच्छा लग रहा है डिस्कस करना तो प्लीज़ लाइक करना. एंड लाइक इसलिए भी करना बिकॉज आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट आने वाला है. फॉर क्लास 11th इंग्लिश का कंटेंट आने वाला है, एंड फॉर क्लास 10th में जो जा रहे हैं साइंस का, तो ये चैनल बेसिकली मेजरली कवर करता है ही. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज रूल्ड बाय अ रीजनल पार्टी. नाउ योर ऑप्शंस आर हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान. यानी इनमें से एक ऐसी स्टेट है दैट इज रूल्ड बाय अ रीजनल, रीजन से मिलके जो पार्टी बनी है उससे. ठीक है, अगेन ये बच्चे को डाउटफुल था, आप बताइए आपने इसके अंदर क्या आंसर मार्क किया है. 13th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अडॉप्टेड बाय मल्टी पार्टी सिस्टम, अडॉप्टेड द मल्टी पार्टी सिस्टम कॉन्सेप्ट. योर ऑप्शंस आर यूएसए, इंडिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम. जल्दी से बताइए और किस किस ने क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस किया, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता ही है जनरली. नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है यहाँ पे, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर डैश इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स बाय द वर्ल्ड बैंक. योर ऑप्शन आर एजुकेशन, इनकम, हेल्थ स्टेटस, लिविंग स्टैंडर्ड. अब
कई बच्चों ने डेफिनेटली किया होगा, वर्ल्ड बैंक है तो इनकम ही होगा. आप बताइए आपने क्या किया. आई एम स्टिल नॉट कन्फर्मिंग द करेक्ट आंसर्स बिकॉज आई हैवन्ट गॉट द ऑफिशियल आंसर की. इट्स जस्ट द डिस्कशन गोइंग ऑन, क्योंकि जैसे ही बच्चा बाहर आया आई हैव अपलोडेड दिस वीडियो, अभी लाइव जा रहा होगा. तो स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. अगेन आपको कुछ डेटा यहाँ पे दिया गया है. क्वेश्चन पूछे विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी HDI किसका सबसे ज़्यादा है. ठीक है, ये तो सीधा सीधा यार ये बच्चा भी कर ले, जो सबसे ज़्यादा नंबर है इसमें से वो मार्क कर दो. जैसे 154 आपको दिख रहा है तो पाकिस्तान नहीं मतलब हैज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI रैंक, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका है. बट ये आप ध्यान रखिए यहाँ HDI रैंक इन द वर्ल्ड है, राइट. लेकिन आपको वर्ल्ड का ही बताना है, लेकिन आपको अदर पैरामीटर्स भी कंसिडर करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस गिवन, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल. तो जल्दी से बताइए बच्चा आपने इसके अंदर क्या मार्क किया है, कमेंट सेक्शन में भी बताना. आई विल कन्फर्म यू द आंसर्स ओनली व्हेन आई गेट द ऑफिशियल आंसर की, नॉट नाउ, बिकॉज गलत आंसर्स प्रोवाइड करना हमारे चैनल का काम नहीं है. नेचुरल प्रोडक्ट्स बीइंग चेंज इनटू अदर फॉर्म्स इज नोन एज, योर ऑप्शंस आर प्राइमरी प्रोडक्ट, सेकेंडरी प्रोडक्ट, टर्शियरी प्रोडक्ट एंड क्वार्टरनरी प्रोडक्ट. तो जल्दी से बताइए आपने क्या किया इसका आंसर. 17th इज, अगेन दिस इज एन ईजी क्वेश्चन ओनली, ओके. 17th इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वही चीज़ें होती हैं फिर जो गलत काम ज़्यादा होता है. ठीक है, और जैसे ऑप्शन है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, ये तो कतई नहीं है, तो ऑर्गेनाइज का फीचर है. पीपल हैव अश्योर्ड वर्क, दिस इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज का फीचर. दे हैव सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, ये भी ऑर्गेनाइज सेक्टर का काम है. लेकिन अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूँ, देर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस बट नॉट फॉलोड, यार सीधा सीधा तो आपको बता दिया कि ये गलत है, तो डेफिनेटली इट इज़ रॉन्ग. देन 18th क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी. जल्दी से बताइए, पेपर नोट्स, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स. इफ यू हैड रेड दिस चैप्टर क्लियरली, वेरी इजीली इन कॉमन सेंस से भी आप दे सकते हो. 19th इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ अर्बन हाउस होल्ड्स टेक द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ लोन फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर. अब इस बच्चे को इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली डाउट था, तो आप बताइए आपने इसके अंदर क्या मार्क किया है. योर ऑप्शंस आर पुअर हाउसहोल्ड्स, हाउसहोल्ड्स विद फ्यू एसेट्स, वेल ऑफ हाउसहोल्ड्स, रिच हाउसहोल्ड्स. ओके, नेक्स्ट 20th क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. योर ऑप्शंस आर एक्सेस टू न्यू मार्केट्स, एक्सेस टू न्यू टैलेंट, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट, डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ. इस क्वेश्चन में भी उस बच्चे को डाउट है, आप बताइए बच्चा आपने क्या मार्क किया है, जल्दी से बता दो बच्चों, जल्दी से. चलिए सेक्शन बी पे अब हम आ जाते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं. पहला कह रहा है, अब देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके कितने नंबर के हैं, दो दो नंबर के हैं और चारों आपको अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन 21st क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस है, तो कोई भी एक करना था. जैसे इस बच्चे ने यहाँ पे ये पहला वाला किया है, एनालाइज द रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर हु लेड द मूवमेंट टू यूनाइट द रीजन्स ऑफ इटली. ओके, सो उस अकॉर्डिंग आपको रोल बताना था. या दूसरे पार्ट में था, एग्जामिन द आइडियाज ऑफ लिबरल नेशनलिज्म इन यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. सो आई थिंक वाइज यही होगा अगर आप ए पार्ट अटेम्प्ट करो, बिकॉज इसमें ज़्यादा पॉइंट्स होंगे. बी पार्ट में क्या होता है कि टीचर को पता नहीं आंसर पसंद आए ना आए, उस अकॉर्डिंग चीज़ हो जाती है. बट डोंट वरी, आपने लिखा है आपको नंबर मिल जाएंगे, डोंट वरी. 22nd क्वेश्चन है, सजेस्ट एनी टू वेज टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन राइट, आप जनरल सेंस से भी लिख दो, इसमें आपको नंबर मिल जाएंगे. 23rd इज हु डिड द फीलिंग ऑफ एलियनेशन इंक्रीज अमंग द श्रीलंकन तमिल्स इन 1956. एक्सप्लेन, पहले बताना है वाई डिड द फीलिंग ऑफ एलियनेशन इंक्रीज, तो वाई का रीजन दोगे और एक्सप्लेनेशन भी आपने प्रॉपर देनी है. ओके, अकॉर्डिंग टू अ 2 मार्कर क्वेश्चन. ज़्यादातर मैं हमेशा साइंस में भी यही कहता हूँ, फिर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो सिवाय इंग्लिश हिंदी वगैरह के, कि आप पॉइंट्स में लिखो, चाहे SST हो, ठीक है, साइंस हो, इट्स बेटर टू राइट इन पॉइंट्स, गिव द आंसर इन पॉइंट्स, मेक इट अ हैबिट. 24th क्वेश्चन, क्रेडिट पुशेस द बोरोअर इनटू सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज पेनफुल. तो इसके अंदर आपको डेट ट्रैप वाला कीवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डेट ट्रैप के बारे में बताना था कि कैसे वो लोन तो लेते रहते हैं बट जब रीपे करने का टाइम आता है तब वो उनके लिए मुश्किल हो जाती है. बात समझ में आई, बोरोअर के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है और फिर जो इंटरेस्ट बढ़ता रहता है उससे ये सिचुएशन और पेनफुल भी होती रहती है. ठीक है, सेक्शन सी पे अब हम आ जाते हैं जहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो 5 क्वेश्चंस हैं, 3-3 मार्क के. खैर ये शॉर्ट तो कहते नहीं, मतलब अच्छा वो वेरी शॉर्ट थे, ये शॉर्ट है, ओके फाइन. 25th में आपको अगेन ऑप्शन दिया गया है, बच्चे ने ए पार्ट किया जिसका पेपर है, हाउ डिड प्रिंट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन यूरोप. एक्सप्लेन भी आपको करना था. एंड बी पार्ट है, मतलब और में पूछा है, हाउ डिड एक्सेस टू बुक्स क्रिएट अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग. अगेन आई थिंक
आपने इजीली 3 पॉइंट्स देखो चाहिए ही चाहिए अगर आपको 3 नंबर चाहिए। आई होप्स आपने पॉइंट वाइज लिखा है। 26 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज़, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स। तो ये जनरल वे में भी अगर आप लिखोगे, देखिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं था पेपर में, सब कुछ अटैम्प्ट करके आना है, टीचर नंबर ज़रूर देगा बिकॉज इट इज़ अ सब्जेक्टिव पेपर, बोर्ड्स की यही खासियत होती है। ठीक है, 27th क्वेश्चन, सजेस्ट 3 स्टेप्स टू एनहांस द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इन इंडिया। तो एक तो सामने से आप लिख सकते हो इंक्रीजिंग अवेयरनेस, ठीक है, सेंसिटाइजिंग द इशू, है ना, ये सब कुछ आप जनरल वे में भी लिखोगे चलेगा, नंबर मिलेंगे सबको, फुल मिलेंगे। ओके, 28th, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स विद एग्जाम्पल्स। वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ज्योग्राफी का बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है, और इकोनॉमिक्स में भी आप पढ़ते ही हो। 29th क्वेश्चन, एग्जामिन द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्जरी सेक्टर। अगेन वेरी इजी, टर्जरी सेक्टर पे पूरे 4 पॉइंट्स का आपका एनसीईआरटी में आंसर बना हुआ है। सेक्शन डी पे मैं आ जाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए हैं और वेरी लॉन्ग आंसर टाइप है, सो दे एक्सपेक्ट यू टू राइट मोर इन दिस। ओके, 30th का जैसे मैं पहला पार्ट आपको बताऊँ, एनालाइज द रोल ऑफ बिजनेस क्लासेस इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ पे बच्चे ने ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, लेकिन और में ही आपको यहाँ पे दिया गया है, एनालाइज द रोल ऑफ विमेन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये सारे स्टैंडर्ड टिपिकल क्वेश्चंस है जो आते ही आते हैं हर साल, आप PYQs उठा के देख लो। 5 पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए, 5 नहीं लिखे होंगे वो टीचर को, यार इतना टाइम थोड़ी होता है बोर्ड के अंदर, उन्होंने हज़ारों कॉपीज चेक करनी है, आपको पता है उनका कॉपीज चेक करने का पैसा भी मिलता है, तो वो जल्दी जल्दी चेक करेंगे, तो आप घपड़ा खिचड़ी बना के आए हो तो फिर वो इतना नहीं पढ़ेंगे, 1-2 नंबर काट लेते हैं। पॉइंटर्स में दोगे ना तो अच्छा है आपके लिए, बट ऐसी बात नहीं, डोंट वरी, जिन्होंने पैराग्राफ फॉर्म में भी लिखे उन्हें भी नंबर मिलेंगे फुल, डोंट वरी। 31st का पहला पार्ट है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग, दोनों के बताने हैं आपको फीचर्स, याद रखना। तो 3 पॉइंट प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस के होने चाहिए थे और 3 पॉइंट्स आपके कमर्शियल फार्मिंग के होने चाहिए थे। बी वाला कह रहा है, ये ऑप्शन में आया ऑब्वियसली, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड प्लांटेशन फार्मिंग। आपको डिफरेंस की फॉर्म में नहीं लिखना, पहले आपको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस हेडिंग डालनी है, उसके फीचर्स लिखने हैं, फिर प्लांटेशन फार्मिंग हेडिंग डालनी है और फिर उसके फीचर्स लिखने हैं। ओके, आ नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 ए पार्ट, एनालाइज द कंडीशंस अंडर डेमोक्रेसीज अकोमोडेट, अंडर विच डेमोक्रेसीज अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज। तो इस बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया, इसी क्वेश्चन में एक ऑप्शन भी था, उसने वो वाला अटैम्प्ट किया, दैट इज एनालाइज द कंडीशंस अंडर विच डेमोक्रेसीज प्रमोट डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। तो आपको उस अकॉर्डिंग बच्चों इसको आंसर करना था, अगर आपको नहीं भी आता, आपने कॉमन सेंस से भी लिखा, आपको नंबर मिल जाएंगे, डोंट वरी। 33rd का पहला है, हाउ डू MNCs एनी मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन इंटरलिंक प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। पहले आपको हाउ का आंसर देना है और फिर एग्जाम्पल्स भी देने, एग्जाम्पल नहीं दोगे तो नंबर तो कटेंगे। नेक्स्ट, इसी में ऑप्शन है, एक्सप्लेन एनी 5 स्टेप्स टेकन बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। तो वैसे अगर कई बच्चों ने ये किया होगा तो यहाँ पे 5 स्टेप्स हैं, तो 5 ही आपको देने, आपको फुल 5 मार्क्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट है सेक्शन ई, केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। 34th, रीड द गिवन सोर्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आई होप सो आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन पहला, व्हाई डिड मैनचेस्टर इम्पोर्ट्स डिक्लाइन इन इंडिया। द आंसर इज बिकॉज इट वॉज अनएबल टू मॉडर्नाइज एंड कम्पीट विद द US, जर्मनी एंड जापान द इकोनॉमी। यहाँ पे देखिए, आप ये पढ़िए इसको पूरा और ऊपर से भी पढ़िए, उस अकॉर्डिंग आंसर कीजिए। सो यहाँ आंसर एक्चुअली ये आ जाएगा ना, विद ब्रिटिश मिल्स बिजी विद वॉर प्रोडक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ द आर्मी, मैनचेस्टर इम्पोर्ट्स इन टू इंडिया डिक्लाइंड। सो वेरी क्लियरली आंसर, जैसे इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन होते हैं सामने ही दिख रहा है। नेक्स्ट इज, वाई कुड मैनचेस्टर नेवर रीकैप्चर इट्स ओल्ड पोजिशन इन द इंडियन मार्केट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बिकॉज इट वॉज अनएबल टू मॉडर्नाइज एंड कम्पीट विद द US, जर्मनी एंड जापान द इकॉनमी ऑफ ब्रिटेन क्रम्पल्ड आफ्टर द वॉर। एंड यू कैन ऑल्सो से कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉटन क्लॉथ्स फ्रॉम ब्रिटेन फेल ड्रामेटिकली। नेक्स्ट इज, एनालाइज एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू इंडिया। ओके, सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहीं पे आपको दिया भी हुआ है, ठीक है। ये देखिए, इंडियन फैक्ट्रीज वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई वॉर नीड्स, राइट। तो यहाँ पे उसे बेनिफिट हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, न्यू फैक्ट्री सेटअप हुई, ठीक है, एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ न्यू वर्कर्स का, तो ये भी लिख सकते हो। सो या, तो ये सब बेनिफिट्स में आ जाएगा आपका। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द गिवन सोर्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. तो यहाँ पे 35th क्वेश्चन पे हम आ गए. पहला पॉइंट पार्ट है इसका, नेम द मूवमेंट अगेंस्ट द रिवर प्रोजेक्ट इन गुजरात. तो उस अकॉर्डिंग आपको मूवमेंट का नाम बताना था. तो अभी मैंने पढ़ा नहीं है पैराग्राफ, आप बताइए क्या इसका आंसर इसके अंदर है या आपको रिमेम्बर करके इसको करना था. नेक्स्ट इज हाउ हैव द बिग डैम्स मोस्टली बीन अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड्स एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल. तो आपको इसमें बताना है कि एक्सेसिव जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है तब कैसे डैम्स, बड़े बड़े डैम्स जो बने होते हैं वो इनइफेक्टिव हो जाते हैं वाटर को कंट्रोल करने से. एंड लास्ट इज एनालाइज एनी टू मेरिट्स ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स. इन प्रोजेक्ट्स के क्या बेनिफिट्स हैं, आपको दो लिखने ही लिखने हैं. मेरिट्स मतलब होता है बेनिफिट्स, एडवांटेजेस. ओके नेक्स्ट 36 क्वेश्चन कह रहे हैं रीड द गिवन सोर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. अगेन पॉलिटिकल पार्टीज पे आया है. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, डेफिनेशन आपको लिख देनी थी. यू शुड हैव गॉट वन मार्क, यू विल गेट वन मार्क. नेक्स्ट इज द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द एमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज. यू हैव टू सपोर्ट, कोई भी एग्जाम्पल देके यार सपोर्ट कर दो, एक नंबर मिल जाएगा आराम से. नेक्स्ट इज वाई आर पॉलिटिकल पार्टीज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन. दो नंबर का है, दो पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए. तो उसमें जो एनसीईआरटी में पॉइंटर्स है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी एक्ट्स एज ऑपोजिशन, तो ऑपोजिशन बहुत ज़रूरी है एक डेमोक्रेसी में, ताकि जो रूलिंग पार्टी है उसकी डिसीजंस पे अच्छी तरह से रिव्यू हो पाए. ऐसे कर करके आप खुद भी पॉइंट्स बना सकते हो. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से. फाइनली द लास्ट सेक्शन, सेक्शन एफ, मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन, जो कि मैंने पोल अपने चैनल पे भी डाली थी. काफ़ी बच्चों ने कहा था कि अभी तक उन्होंने किया ही नहीं है. ओनली आई थिंक 30-28% बच्चों ने ये कहा था कि येस, एंड वी हैव रिसीव्ड आई थिंक 300+ वोट्स ऑन दैट. तो क्या कर रहे हो बच्चों, करना है आपको अच्छी तरह से मैप. आई होप सो अब आपने कर लिया होगा, क्योंकि अभी 2-3 दिन थे उससे पहले मैंने डाला था चैनल पे. सो 37th का ए पार्ट है, टू प्लेसेस ए एंड बी हैव बीन मार्क्ड इन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया ऑन पेज नंबर 23. ठीक है, सो आइडेंटिफाई देम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड राइट देयर करेक्ट नेम्स ऑन द लाइन्स ड्रॉन नियर देम. तो आपको आइडेंटिफाई करना है एंड उनका नेम लिखना है, बेसिकली नेम ज़रूरी है. द प्ले और हाँ, नेम मैप के अंदर ही लिखना है जहाँ पे आपको मे बी प्रोवाइडेड होगा, राइट. तो पहला है द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ INC वॉज हेल्ड इन डिसम्बर 1920, एंड सेकेंड वॉज द प्लेस वेयर जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड. वेरी इजी क्वेश्चन, इट्स अमृतसर. बी पार्ट का आंसर इज अमृतसर फॉर श्योर. बी अब आई मीन सेकेंड पार्ट का आंसर. एंड यहाँ पे बी है, ऑन द सेम पॉलिटिकल मैप आउटलाइन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग विद सूटेबल सिंबल्स. तो आपको नोएडा पूछ लिया है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स में से, बेलाडेला पूछ लिया है आयरन ओर माइन, तारापुर पूछ लिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, एंड हल्दिया पूछ लिया है हल्दिया फॉर सी पोर्ट. तो उस अकॉर्डिंग आई होप्स आपने सारे आयरन माइन, सी पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, टेक्नोलॉजी पार्क्स, इन सब के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे. ओनली देन यू विल बी एबल टू डू इट. क्या बात समझ में आई. तो विथ दिस वी कम्प्लीट द डिस्कशन एंड रिव्यू. रिव्यू देखा जाए बच्चों बैलेंस्ड पेपर ही है, लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा सा मीडियम साइड पे नहीं है, ईजी और मीडियम के बीच में आप मान के चलो. आप कितने इसको डिफ़िकल्टी लेवल पे रेट करोगे तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइए, और कैसा गया आपका पेपर, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उसकी जल्दी से मैं पोल अपने चैनल पे अभी डालूंगा थोड़ी देर में, यानी कुछ घंटों बाद. तो डू पार्टिसिपेट इन दैट. एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. एंड वापस से मैं रिपीट कर दूँ, जिन्हें नहीं पता जो अभी जुड़े हैं नए व्यूअर्स स्पेशली, आप 11th क्लास में जा रहे हो तो उसकी पूरी इंग्लिश मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊँगा, प्रॉपर ग्रामर वैमर सब होगा कवर. एंड क्लास 10th में जो आए हैं उनके लिए साइंस तो इस चैनल पे चल ही रहा है, और मेजरली साइंस ही कवर कराया जाता है. सो साइंस होगा ही होगा, और साथ में इंग्लिश ऑल्सो आई विल टेक अप ऑन दिस चैनल. सो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव चैनल. बहुत मज़ा आएगा आपको, और एजुकेशनल प्रॉपर होएगा. एंड यू विल रियली थैंक मी दैट इट इज़ एक्चुअली हेल्पफुल. आप खुद कहेंगे, बिकॉज आपको खुद लगेगा कि बहुत अच्छा इसमें कंटेंट आ रहा है. सो इट्स अ प्रॉमिसिंग चैनल. डू सब्सक्राइब एंड लाइक इट, शेयर इट. थैंक यू सो मच वॉचिंग योर स्टूडेंट्स. नाउ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम. तैयारी शुरू कर दें, डोंट वेस्ट टाइम. ओके स्टार्ट.